स्वागत है जी आया नू सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा दोस्त कुलदीप एक बार फिर तो हाजिर हाँ थोड़ा खास प्रोग्राम लैके। खास इस करके काफ़ी जोड़े सवाल जो भेजते हो काफ़ी सुझाव जो साढ़े तक पहुँचते चाहे वो फोन कॉल जरिए ने ईमेल जरिए ने उन्होंने एक्सपर्ट्स के साझा किया जाता है। देश तो विदेश तक का जोड़ा सफर जो पढ़ाई के लिए किया जा रहा है PR के एक मोटिव न कोई जरा प्योर साढ़े जुड़े ज कोई टूरिस्ट वीजा अपलाई करना चाहता समय समय से एक्सपर्ट्स में इस मंच जरिए रूबरू कराया जाता है। अब मेरे बेस्ट तो प्रदीप वालिया जी ने पहला स्वागत कर लिए सर बहुत बहुत स्वागत थैंक यू थैंक यू जी। सो स्टूडेंट वीजा जो टारगेट करने की कोशिश करा हर बार की तरह जिम्मे आयल्स की गल करते हो स्टूडेंट वीजा की गल करते हो कैनेडा होट टॉपिक कह सकते हैं होट कंट्री कह सकते हैं होट डेस्टिनेशन कह सकते हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन कह सकते हो। सो सवाल जोड़े ज़्यादातर कैनेडा ले ही होंगे ने पर जो बच्चा जनवरी के लिए अपलाई करना चाहता अज उन्होंने ऑफर लैटर लिए भी जदोजहद करनी पै रही है वीजा भी कितने ना कितने डर बनया हुआ भी जड़ियाँ रिजैक्शन आईया सितंबर के दोबारा उस तरह का जो माहौल ना मिले। सो की कहोगे तुम सितंबर इनटेक वाले बच्चों के लिए? देखिए एम्बेसी ने जो पीछे अगर वीज़ा रिजेक्ट भी किए हैं तो वो बैलेंस बनाने के लिए किए हैं। आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट वांट टू गो कैनेडा ओनली, जिसको देखे कैनेडा जिसको देखे कैनेडा, जिस बच्चा जो बच्चा प्रोफाइल मैच करता है वेल एंड गुड है, जो बच्चा प्रोफाइल मैच नहीं करता जो सिंगापुर साइप्रस मलेशिया के लिए है वो भी बोलता है कि मुझे कैनेडा एक बार रिस्क लेना है। तो ये मतलब नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स जो एम्बेसी में पहुंचे हैं जी। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा और उसमें क्या कि कई बार नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीजे मिले लाइक विदाउट आयल्स, ठीक है, परसेंटेज अच्छी थी उनको दे दिए वीजा, ठीक है, यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में या नॉन एसपीपी में। तो एक हर एक एम्बेसी का एक कोटा सिस्टम होता है कि भाई एक टारगेट होता है कि हर इनटेक कितने बच्चे दे रहे हैं। तो वो जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स वहां पहुंचे तो कहीं ना कहीं भीड़ तो हो गया और ओवर क्राउड हो गया, ठीक है। तो अगर जब और क्राउड होगा तो होगा क्या, उसमें कहीं ना कहीं जेन्युइन स्टूडेंट्स भी पीछे गए जी, ये एक मेन रीजन था। सेकेंडली अगर हम जैन इनटेक की बात करें तो जैन इनटेक में घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम पे आप फाइल लगाओ ऑफर लेटर टाइम पे मंगाओ तो वीजा के चांसेस पूरे हैं। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो हमारे डेफिनेट डेली वीजा आ रहे हैं जी, डेली वीजा आ रहे हैं। तो देखना यही होगा कि आपको जेन्युइन स्टूडेंट्स डालने होंगे, आपको एम्बेसी का क्राइटेरिया या कॉलेज का क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मीट करना होगा। आप ठीक है विदाउट आयल्स डाल रहे हैं या 5 बैंड पे डाल रहे हैं या 5.5 बैंड पे डाल रहे हैं, लेकिन कौन से बच्चे जिनकी की परसेंटेज बहुत अच्छी है, 65% मार्क्स हो 70% मार्क्स हो और इससे ज्यादा मार्क्स हो, इंग्लिश में 60 और 65% प्लस मार्क्स हो, दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट कैन टेक द रिस्क। लेकिन इसमें आपका 50-50 है। हाँ, 6 बैंड आपके हैं नॉलेज देन 5.5 परसेंटेज आपकी अबव 50 लाइक अगर 55 या 60% मार्क्स है आपके वीजा निकलेगा। बट कीप इन माइंड आज की डेट में बहुत बड़ी जदोजहद है ऑफर लेटर के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो कॉलेज का वॉल्यूम बढ़ा है वो 300%, 400%, 500% मतलब जो स्टूडेंट की सीटें जितनी हैं उससे 300 गुना 400 गुना 500 गुना 700 गुना अप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को पहुंची हैं। मैन पावर वही है, रिसोर्सेज वही हैं, तो ये एक रीज़न है कि इसमें पहले आओ पहले पाओ वाली बहुत दौड़ भी है। कुछ कॉलेजेस आज की डेट में ये भी देख रहे हैं कि जितनी भी अप्लीकेशन उसमें जो सबसे अच्छे बस स्टूडेंट्स हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को वो उठा रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं और वीजाज भी कंटिन्यूसली निकल रहे हैं जी। बट कीप इन माइंड टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपका जैन इनटेक निकल जाता है इट डज नॉट मीन कि भाई आप लेट हो गए हैं, आप मेन टेक के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन आपकी इससे रिक्वेस्ट है कि टाइम रहते भीड़ की तरफ से पहली बात जाइए ही मत, ठीक है। आज की डेट में अगर आपने सक्सेस रेट हाई रखना है तो थोड़ा आउटर स्कर्ट्स में जाइए, प्रोविंस भी दूसरे लीजिए, प्लस में अगर कॉलेज भी है तो ऐसी जगह लीजिए जहाँ पे थोड़ा सा बच्चा पहले कम गया हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो एक बच्चे का वीजा निकालते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, हमारी ये टिप्स काम करती हैं, क्योंकि एक जब एम्बेसी वीजा देती है तो 4-5 चीजें देखती है, उसका कंसल्टेंट कैसा है जी जी, उसने कोर्स कौन सा लिया है, उसका कॉलेज कहाँ पे है, किस प्रोविंस में है और किस टाइम पे फाइल लग रही है, ये चीज़ें मैच करती हैं। तो अगर कोई हमारे पास ऐसी प्रोफाइल वीक आती है तो हम पहले ही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई पर्टिकुलर तू कहाँ जा सकता है, किस कोर्स में जा सकता है, किस प्रोविंस में जा सकता है, कहाँ तेरा सक्सेस रेट हाई रहेगा। इस तरीके से करने से कहीं ना कहीं हमें सक्सेस भी मिली है और बच्चों के वीजाज भी निकले हैं जी। तुसी गल की आउटर एरिया की या कैंपस ने कॉलेज के, पर कई बार बच्चा कहना मैं मेन सिटी के जाना वीजा नहीं निकलता, उत्थे कॉम्पीटिशन कह लो या सीट्स की अवेबिलिटी घट जी रह जाती है,
ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ठीक है, ये यहीं से बात निकल के आती है कि भाई मेरा रिलेटिव यहाँ बैठा है, ब्रैम्पटन में है, मिसिसागा में है, तो मुझे यहीं जाना है। लेकिन एक्चुअलिटी ऐसी नहीं है। जब प्रैक्टिकली बच्चा पहुँचता है वहाँ, देखता है कि भाई ये रिश्तेदार दो दिन काम आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, बट एयरपोर्ट पिकअप हो गया, अकोमोडेशन हो गया, इसी में हेल्प होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद वो वही बच्चे बाद में बाहर दूसरी जगह अपना घर लेकर रहते हैं। तो भैया एम्बेसी के भी एक लिमिटेशंस हैं, हर एक कॉलेज की भी अपनी लिमिटेशंस है। आप अगर सेंटर सीबीडी सेंटर्स की बात करोगे तो कितना बच्चा जाएगा? वीजा ऑफिसर भी आज की डेट में उग चुके हैं इस चीज़ को देखते हुए कि पर्टिकुलर इसी कॉलेज में, इसी कोर्स में, इसी कॉलेज में और इसी प्रोविंस में या पर्टिकुलर इसी एरियाज में बच्चा जा रहा है। कुछ जैसे टोरंटो में बात करें तो टोरंटो में काफ़ी कॉलेजेस हैं जो सीबीडी सेंटर्स में आते हैं, जो नियर बाई है। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स में है वहाँ बच्चा कम जाता है, तो उसके सक्सेस रेट हाई भी रहते हैं। कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ का सक्सेस रेट आज की डेट में भी 95% या 100% के आसपास है जी। तो ये चीजें आपने देखनी होगी, समझनी होगी, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके एक बार मिलिए। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है, आइए एक बार मिलिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना जो आपका प्रीवियस फाइल है वो लेके, प्लस अपना रिफ्यूजल लेटर लेके एक बार मिलिए, अपॉइंटमेंट रखिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सेस आपकी हेल्प करेगा कि किस टाइप से आप वीजा ले सकते हैं। एक सवाल पर्सनली एक्सपीरियंस दा, हुणे-हुणे तुसीं कैनेडा जाके आए हो, हर तरह के बच्चे नूं मिले होगे, जिहड़े चंगी सिटीज़ विच ने, जिहड़े आउटर कॉलेजेस विच ने, किस तरह का संघर्ष रहिंदा है जिहड़ा एक आउटर दे विच बैठा है, या उन्हां दे लई की वाकई ईजी रहिंदा जिहड़ी इत्थे सोच बणी होई कि जे चंगी सिटी या वड्डी सिटी जावांगे तां काम सौखा मिल जाएगा, कॉलेज वधिया मिलेगा, कि उह सोच सही है? कुलदीप जी, जो आज की डेट में जो मेन सेंटर्स में जा रहे हैं ना, तो वहाँ तो मोस्टली जितने भी कह सकते हैं रेस्टोरेंट्स हैं या फिर अपना क्या नाम है और जो कॉल सेंटर है, जहाँ पे जो भी मतलब एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे एक बड़ी प्लेट्स लगी है, नो वैकेंसी, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा आउटर स्कर्ट्स में जा रहा है, बच्चा वहाँ अभी भी कम है, बच्चा कम है, सीट मिल जाएगी और वहाँ पे भी कम है। छोटा सा एग्जाम्पल है, सिडनी सिटी छोटा सा सिटी है, सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, किसी को एक महीने बाद मिलगी, किसी को दो महीने बाद मिलगी, किसी को दस दिन बाद मिलगी, किसी को जाते ही जॉब मिलगी। उसी तरीके से और भी एरियाज हैं जहाँ पे, सिडनी सिटी की अगर बात करें तो ये नोवा स्कोशिया में पड़ता है। अगर और भी इसका बात करें, जैसे नियाग्रा है, ठीक है, विंडसर है, पीटरबोरो है, ठीक है, ओसवा है, यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, बच्चा सोचता है वो एक घंटे के डिफरेंस पर, बैरी है, जॉर्जियन कॉलेज यहाँ पे है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स है, बच्चे को थोड़ा सा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चा कैनेडा जा रहा है, स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी, आप ये सोच के चलिए कि आपको कम से कम एक साल की फीस तो आपको घर से पे करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चार महीने का इंटेक है। जैसे ही आप जाते हो दो महीने वैसे खत्म हो जाते हो, दो महीने में आप फीस कैसे निकाल लोगे? हाँ, एक बार आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको टेंशन नहीं है, पेरेंट्स को टेंशन नहीं है। तो कहने का मतलब, जो 7-8 लाख रुपये आपकी ट्यूशन फीस है वो प्लीज अपना प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि अगले सेमेस्टर की फीस आपको घर से भेजनी पड़ सकती है। सेकेंडली, जो जैन इनटेक में जाएंगे उनके लिए गुड न्यूज ये भी होती है, जो जैन इनटेक में जाते हैं, जैन एक लाइक आप ये कह सकते हैं कि जैन इनटेक में थोड़ा सा बच्चों को जॉब कम मिलती है। रीजन कि एक तो ठंड होती है, ऊपर से बर्फ गिरती है, और दूसरा सेटल होने में बच्चे को टाइम लग जाता है। जैन के जस्ट बाद मई इनटेक आता, जो मई जो होता है, तो मई में मोस्टली स्टूडेंट्स छुट्टियां लेते हैं, ठीक है, तकरीबन 4 महीने की फुल टाइम छुट्टियां होती है। तो वो एक तरह से हमारे इंडिया से उसका जो वो क्या नाम है वेदर है मैच करता है, यहाँ ठंड है तो वहाँ भी ठंड है, यहाँ ठंड कम है तो वहाँ ज्यादा है, यहाँ गर्मी है तो वहाँ भी गर्मी है, लेकिन यहाँ गर्मी ज्यादा है तो वहाँ गर्मी इतनी नहीं पड़ती। लेकिन जो मई का जो टाइम होता है उस टाइम पे बच्चों को फुल टाइम जॉब मिल जाती है, छुट्टियां होती है, तो मोस्टली बच्चा जो जाता है तो जैन, जैन के बाद सीधा सेप्टेम्बर, तो एक साल में 8 महीने वो पढ़ते हैं। कोर्सेज कम होते हैं तो उसमें बच्चा अपने आप को फ्री रखता है, फुल टाइम जॉब करता है, फुल टाइम जॉब करके वो अगले सेमेस्टर की अपनी फीस निकाल लेते हैं जी। तो जैन में जो जा रहे हैं बच्चे वो इस चीज का एडवांटेज जरूर लेंगे कि उनको छुट्टियां मिलेगी पूरे 4 महीने की। जो बच्चे मई में जाते हैं तो मई के बाद वो सेप्टेम्बर तक पढ़ते हैं, तो फिर उनको अगले ईयर चांस मिलता है जी। सो कोई भी गलबात करना चाहते हो, कोई चीज़ जानना चाहते हो, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, विदाउट आयल्स, कंट्रीज ऑप्शन बनती, स्टूडेंट वीजा संबंधी
किसी भी तरह का कोई भी सवाल तुहाडे ज़हन दे विच वैस्टर्न ओवरसीज़ नाल सीधा कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, नंबर फ्लैश किया जा रहा है, प्रदीप जी नूं मिलना चाहते हो इसे नंबर के जरिए एड्रैस पता कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मिलकर गलबात करके हर तरह की जानकारी तुसीं फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। और बच्चे जिहड़े सितंबर विच नहीं जा पाए, अपलाई नहीं किया जां रिजैक्शन आ गई, हुण जनवरी च लगता है कि फिर तो कॉलेज नहीं मिल रहे या रेलीवेंट कोर्स नहीं मिल रहा, रिजैक्शन आ सकती, कि वो मई के लिए एलिजिबल होंगे? देखिए डेफिनेटली पहली बार तो अगर जो जैन अपने सितंबर में जिनकी रिजेक्शन आई है, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी स्मार्टली वर्क किया है तो उनको डेफिनेटली ऑफर लेटर जैन के मिले होंगे, वो चाहे तो मतलब उसने अपने उसने कंटिन्यू रखा है जी, तो उनके चांसेस हैं कि उन्होंने जैन में फतेह पा लेनी है, वीजा निकल जाएंगे उन बच्चों के जो घूमते रहे कि नहीं जी अभी फाइल नहीं लगवानी, अपनी फीस वापस मंगा ली है, फिर कॉलेज दूसरा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जैन में अगर आपका नहीं होता है तो मई इनटेक आपके पास पड़ा है, मई नौ सितंबर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो आज की डेट में 2015 पास आउट के वीजा आ रहे हैं, अगर आप 16 पास आउट हो तो 18 में भी आपके वीजा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये इशू तो नहीं पड़ता कि सितंबर च रिजेक्ट हो गए तो अगला इनटेक क्यों नहीं अप्लाई किया तुसी, मई क्यों कर रहे हो? स्टूडेंट्स के पास बोलने के लिए पूरा मतलब वक्त है, और पूरा एक वो भी है इंसिडेंट भी है कि भाई उसकी पहली बार रिजेक्शन सही है, सेकंड उसको उसकी चॉइस का कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है, तो दैट इज द रीजन। अगर ये चीज बच्चा बताता है तो वीजा ऑफिसर समझते हैं और बच्चों के वीजा निकलते हैं। समा खत्म होने करके चर्चा के नहीं बता सकेंगे, शुक्रिया धन्यवाद सर। नंबर फ्लैश किया जा रहा है, जाते जाते फिर कहूंगा इस नंबर से कॉल करके तुसी अपना सवाल साझा कर सकते हो, हर तरह की जानकारी ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैनु इजाजत।